प्यारे भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं उधर से आत्मा का विषय, जहां पे पिछली बार हमने छोड़ा। हमने क्या देखा पिछली बार? हमने देखा कि आत्मा, जीवित आत्मा, दो चीजों के गठन से बनता है, शरीर और सांस। सांस परमेश्वर का आत्मा है जो मेरे नथनों में है, नॉस्ट्रिल्स में है, और शरीर मिट्टी के तत्व से बना और मिट्टी में चला जाता है। यही सेम आत्मा, यानी कि जीवित आत्मा जो आपके पास है, मेरे पास है, वही मछली के पास है, वही पक्षियों के पास है, वही जानवरों के पास है, क्योंकि उनके पास भी दो ही चीजें हैं। कौन कौन सी? एक तो शरीर, दूसरा तो श्वास। आपके पास भी दो ही चीजें हैं, शरीर और श्वास। श्वास क्या है? परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ ये सांस जो हमारे नथनों में है। इसको आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। ये बहुत शक्तिशाली है। पढ़िए वचन, सबोपदेशक तीसरा अध्याय 18 से लेके 21 वचन। मैंने मन में कहा, ये इसीलिए होता है कि परमेश्वर मनुष्यों को जांचे और कि वे देख सके कि वे पशु समान हैं, क्योंकि एक मिनट अंडरलाइन कीजिए, आप किसके समान हो? पशु के समान हो। क्यों समान हो? क्योंकि उनके पास भी शरीर है और श्वास है, आपके पास भी शरीर है और श्वास है। वही श्वास उनके शरीर को चला रहा है, वही श्वास आपके शरीर को चला रहा है। हाँ जी, क्योंकि जैसे मनुष्य की वैसे ही पशुओं की भी दशा होती है, दोनों की वही दशा होती है। जैसे एक मरता वैसे ही दूसरा भी मरता है, सभी की श्वास एक सी है, और मनुष्य पशु से कुछ बढ़कर नहीं, सब कुछ व्यर्थ ही है। सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। क्या मनुष्य का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता है और पशुओं का प्राण नीचे की ओर जाकर मिट्टी में मिल जाता है? ये कौन जानता है? देखिए, सबका एक ही श्वास है। क्या है? सभी का श्वास एक ही है। ऐसा नहीं है कि आपके नथनों में परमेश्वर का आत्मा है और उनके नथनों में कुछ और है। एक ही श्वास है सबका। देखिए, ये है सत्य, ये है कि मनुष्य और जानवर और पक्षी और हर तरह के जीवित प्राणी, जिनका शरीर है, जिनका सांस है, मनुष्य के जैसे ही, सबका आत्मा एक ही जगह जाता है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य का आत्मा ऊपर को चला जाता है, हर जानवरों का आत्मा कहीं और जाता है। सबोपदेशक में ये बातें साफ साफ परमेश्वर के सत्य के वचन से हमें क्लियर होती है। सबका श्वास है। इसकी एक उदाहरण ले, आप कभी टीवी शॉप पे जाओ, टीवी शॉप पे आपको अलग अलग ब्रांड के अलग अलग तरह के टीवी मिलेंगे। एलईडी मिलेगा, ओएलईडी मिलेगा, मिलेगा एलसीडी मिलेगा, नॉर्मल टीवी मिलेगा, कलर टीवी मिलेगा, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मिलेगा, अलग अलग फीचर्स वाले अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे।
टीवी में ही आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिलती, लेकिन उनको चलाता कौन है? करण। और वो करण एक टीवी के लिए अलग, दूसरे टीवी के लिए अलग, तीसरे के लिए अलग नहीं है, सबको एक ही करंट जाता है। हाँ, जब करंट जाता है और जब वो चलता है तब फीचर्स की वैल्यू है, अगर करंट नहीं है तो वो खाली क्या है, पड़े डब्बे हैं। इसी तरीके से मनुष्य जाति एक सृष्टि, बाकी जानवर दूसरी सृष्टि, पशु दूसरी तीसरी सृष्टि, पक्षी चौथी सृष्टि, ऐसे सारी परमेश्वर की सृष्टियों को शरीर अलग अलग हैं, कोई चार टांग वाला है, कोई दो टांग वाला है, कोई रेंगने वाला है, कोई पंख वाला है, लेकिन चलाता एक ही चीज है, परमेश्वर का आत्मा जिसे हम श्वास बोल रहे हैं, करण, वो है वो करण। कोई अंतर नहीं है सांस में, ये जानवर का सांस है, ये इंसान का सांस है, ये पक्षी का सांस है, ये मछली का सांस है, कोई अंतर नहीं है। इसीलिए ये सत्य जानने के बाद एक वचन हम पढ़ेंगे, दाऊद ने वो वचन लिखा, कैसे लिखा देखिए जरा, क्या लिखा पढ़िए, भजन संहिता 139 उसका 14 वचन, कि ये शरीर जो है ना, शरीर क्या चीज है, कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, पढ़िए। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। इसलिए मैं तेरी महिमा करूंगा क्योंकि मैं बड़े अद्भुत बड़े भयानक तरीके से बनाया गया। अगर आप जानते हो कि मनुष्य के शरीर इस सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं, हड्डियां हैं, मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, अंतड़ियां हैं, नाड़ियां हैं, ऑर्गन्स हैं, नर्व्स हैं, इन सबको एक शरीर के अंदर रखना मनुष्य के बस की बात नहीं है। देखो जरा ये सिस्टम, देखो ये सिस्टम, मनुष्य के शरीर की अगर आपने पढ़ाई करी हो, आपको पता है 206 हड्डियां होती हैं एक इंसान के अंदर। इसीलिए दाऊद जब ये वचन लिखता है बोलता है बड़े ही अद्भुत तरीके का शरीर है कि एक ऐसी सृष्टि, एक बच्चा एक बीज से पैदा होता है मां की कोख में, बट जब पैदा होने के बाद बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद एक बड़ा शरीर होता है, शरीर में ये सब कुछ आता है, कहां से कैसे कोई बता सकता है कैसे? एक छोटा सा बीज मां के गर्भ में जाता, बच्चे के रूप में पैदा होता है, उसके बाद उसकी स्टेजेस अलग अलग। इसकी डिस्क्रिप्शन हम अय्यूब में पढ़ते हैं, अय्यूब 10वां अध्याय 10वां वचन, पढ़िए। क्या तूने मुझे दूध के समान उड़ेल कर और दही के समान जमाकर नहीं बनाया? क्या तुमने मुझे
दूध के समान सम्मान ढेल कर दही के समान नहीं जमाया। ये पता किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है आपकी हड्डियां बनाने की। कैल्शियम, कैल्शियम कैसे लिक्विड फॉर्म में और उसको कैसे सुखाकर दही जैसे बनाया ताकि बोन मैरो बने। बोन मैरो कौन करता है? ये आपके शरीर में सब कुछ आता है परमेश्वर। ये परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार बातें चलती हैं। अगला वचन पढ़िए, 11वां वचन। फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियां और नसें गूंथ कर मुझे बनाया है। तो ये गलत फहमी है हमें कि परमेश्वर ने एक मिट्टी ली, मिट्टी को वो गीला किया, काली मिट्टी को एक गुड्डा बनाया और उसके फूक मारी और वो पैदा। वो तो आपको सिर्फ एक चिनात्मक भाषा में डिस्क्रिप्शन बनाई। असल में क्या हुआ? असल में कैल्शियम को डाला गया, सूखने दिया गया ताकि हड्डियां बनाई जा सके। उससे हड्डियां बन गई तो बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या था? पहले उसके हड्डियों के ऊपर अब फ्लैश चाहिए, फ्लैश के ऊपर चमड़ा चढ़ाना है। चमड़े के बीच में नर्व्स, सिन्यूज आपको जो एहसास दिलवाते हैं, आपको गर्मी लगती है, आपको ठंडी लगती है, आपको खुजली होती है, आपको और कुछ सेंसेशन मिलती है, वो सारा कैसे? वो नर्व्स का कमाल है। इंसान को मिट्टी से मिला, मिट्टी से लिया और बनाए का मतलब पता क्या है? और मिट्टी में चले जाने का मतलब, इसका मतलब है कि जिन तत्वों से इंसान को बनाया गया वो मिट्टी में पाए जाते हैं, इसलिए आपका खाना मिट्टी से आता है। क्या है आपके शरीर? शरीर किन चीजों से बना है? विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, सारी चीजें मिलाकर एक शरीर बनता है। इसलिए आपके शरीर को प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए, सब चाहिए। तो कहाँ से सप्लाई होता है? तो धरती से उगने वाली चीजों से सप्लाई होता है। इसीलिए इंसान को बोला मिट्टी से लिया और मिट्टी में मिल जाएगा। वो तत्व जो मिट्टी में है वही तत्व आपके शरीर में भी है। और हमारे शरीर में 70% क्या है? शरीर पानी। 70% क्या है? पानी है मेरे भाइयों। और शरीर में हमारे क्या है? लंग्स, पेट, लीवर, इंटेस्टाइन्स, आंखें, कान, किडनी, हार्ट, ब्रेन। शरीर में हड्डियां कितनी? 206। और ये माना जाता है हमारे इंसान के शरीर के ऊपर 20 स्क्वायर फिट चमड़ी है। साइंस बोलती है 20 स्क्वायर फिट चमड़ी, 50,00,000 बाल हमारे शरीर पे आते हैं और एक बाल की लाइफ 3 साल होती है। 50,00,000 बाल, 650 मसल हैं हमारी बॉडी में, 100 जॉइंट्स हैं, मतलब जोड़, 100 जोड़ हैं, 60,000 मील, 60,000 मील की जो वो है लंबाई, उतने की वेन्स, आर्टरीज और ब्लड
कैपिलरीज हैं हमारे शरीर के अंदर, 30,000 नर्व सेल्स आपके शरीर के अंदर है। इस जुबान पर, ये जो जीभ है, इसी के अंदर 9,000 टेस्ट बड्स हैं जिसे आपको टेस्ट आता है, 9,000 टेस्ट बड्स। गूगल करके देखिएगा मनुष्य के शरीर की बनावट की ये बातें। ब्रेन, ब्रेन जो हमारा हेडक्वार्टर, कितना कॉम्प्लिकेटेड वायरिंग है, सब कौन करता है, किधर से आता, कौन चलाता है इसको। इसीलिए दाऊद बोलता है मैं बड़े अद्भुत तरीके से बनाया था। भयानक और अद्भुत तरीका। अभी ये शिक्षा कहां से आई कि आत्मा मरता नहीं है? शिक्षा कहां से आई, आत्मा मरता नहीं है? ये शैतान से आई शिक्षा। शैतान ने अदन की वाटिका में क्या बोला स्त्री को, क्या बोला, तुम निश्चय ना मरोगे, तुम निश्चय ना मरोगे। शैतान है जो ये बोलता है कि आत्मा मरता नहीं है, क्योंकि हवा क्या थी, एक जीवित आत्मा, और एक जीवित आत्मा को शैतान बोल रहा है तुम निश्चय नहीं मरोगे। परमेश्वर ने क्या बोला, उत्पत्ति 2:16-17 वचन, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के किसी भी वृक्षों का फल खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो परमेश्वर जीवित आत्मा यानी कि आदम को बोल रहे हैं, जीवित आत्मा आदम को बोल रहे हैं उस पेड़ से मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा तू मर जाएगा, तू जीवित आत्मा नहीं रहेगा। और शैतान क्या बोल रहा है जीवित आत्मा को, तुम कभी नहीं मरोगे। हेलो, तो परमेश्वर बोल रहे हैं तुम मर जाओगे जीवित आत्मा, शैतान बोल रहा है तुम नहीं मरोगे। विश्वास, वही शिक्षा शैतान की आज भी डोमिनेट कर रही है। शैतान ने बोला जीवित आत्मा को, आत्मा तुम नहीं मरोगे। सारी दुनिया क्या बिलीव कर रहे हैं, इंक्लूडिंग क्रिश्चियंस, शैतान को आत्मा मरती नहीं। परमेश्वर क्या बोलते हैं, आत्मा मर जाओगे, आत्मा मर जाओगे। तो ये टेस्टिमनी आज 99.99% लोग इस टेस्टिमनी को ना मान के शैतान के झूठ को मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि शैतान क्या करता है, पढ़िए यशाया 5:20। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते, और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। शैतान का काम है सब कुछ उल्टा पुल्टा करना। शैतान का काम है सब कुछ उल्टा पुल्टा करना। जैसे एक और उदाहरण बताता हूं, उल्टा पुल्टा कैसे करता है शैतान। परमेश्वर ने मर्द को औरत का हेड बनाया, लेकिन आज
खुद ही हेड बोलता है कि हमारे घर की, मेरे घर की तो हेड मेरी बीवी है, ये शैतान का काम है उल्टा उल्टा करना। तो जब एक आत्मा की मृत्यु हो जाती है, आत्मा जब मर जाती है, तो क्या परिस्थिति होती है? हम चलते हैं, पढ़ते हैं सबोपदेशक 9वां अध्याय 4वां वचन। सबोपदेशक 9वां अध्याय 4वां वचन। परंतु जो सब जीवितों में है उसे आशा है, क्योंकि जीविता कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है। तो जो जीवित हैं उनको तो आशा है, जो मर गए वो तो खत्म हो गए ना, तो इसलिए जीवित कुत्ता मरे हुए शेर से बेहतर है, वचन ये बोलता है। और 5 और 6 वचन भी पढ़ लेंगे। क्योंकि जीवते तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते। देखिए और... ये देखिए, जीवते तो जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ नहीं जानते जी, और ना उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। उनका प्रेम और उनका बैर और उनकी डाह नाश हो चुकी, और अब जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें सदा के लिए उनका और कोई भाग ना होगा। देखिए, आपको क्या मूवीज में दिखाया जाता है, क्या विश्वास दिलाया जाता है, ये जो मर गया था ये बदला ले रहा है, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। परमेश्वर का वचन बोलता है जो मर गए वो कुछ नहीं जानते, वो किसी से बदला नहीं ले सकते, उनकी याददाश्त खत्म, उनका प्रेम खत्म, उनकी दुश्मनी खत्म, और उनके मरने के बाद जो कुछ भी सूर्य के नीचे होता है उनमें उनका कोई हिस्सा नहीं। तो फिर ये शिक्षा कहां से आई कि एक आत्मा आती है, बदला लेती है, वो भटकती है, वो ये करती है, वो करती है, उसके लिए पता नहीं कितने रीति रिवाज और कितना पैसा लोग बर्बाद करते हैं। जब कोई मर जाता है उसके बाद उसका वो करवाना है, उसकी आत्मा को शांति मिलनी है, उसका ये होना है, उसका वो करना है, बाप रे बाप, क्या क्या कुछ नहीं जानते वो, उनको कुछ याद नहीं, ना आपके प्रति उनको प्रेम है, ना आपके प्रति नफरत है, तो बदला लेने का सवाल कहाँ पर है। अब आप पूछोगे, ब्रदर जी हमने तो ऐसा देखा कि हमारे हमारी आंखों के सामने हमारी कलीसिया में पास्टर जी ने एक बंदे में जिसमें दुष्ट आत्मा की उसे उस पर प्रार्थना की, उसने बोला मैं ये बंदा हूं, मैं ऐसे ऐसे मर गया था, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, तो ये सब क्या है?
ये सब शैतान का डोंग है जिसमें वो हमें बेवकूफ बना रहा है। इसका नाम लेकर, किसी मरे हुए का नाम लेकर, क्या करने के लिए? आपको गलत शिक्षा, गलत विश्वास दिखाने के लिए कि मरने के बाद जीवित जीवन होता है, मरने के बाद कुछ नहीं होता, खत्म। पढ़ लीजिए 9-10 वचन, सब उपदेशक 9-10। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है न काम न युक्ति न ज्ञान और न बुद्धि है। देखो, मरने के बाद जहां कोई जाता है उधर कुछ नहीं है, न काम, ना कोई स्कीम बनानी, युक्ति बनानी, ना बुद्धि, ना ज्ञान, कुछ नहीं है। मृत्यु में कुछ नहीं, जब मर जाते हो उसके बाद कोई ज्ञान, कोई बुद्धि, कुछ नहीं, कोई काम नहीं है। एक और वचन पढ़ लीजिए, भजन संगीता 6:5, 115:17। क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यहोवा की स्तुति नहीं कर सकते। तो मृत्यु के बाद कोई परमेश्वर का स्मरण नहीं कर सकता, कोई मरने के बाद परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकता। और मृतक जो है ना, चुपचाप पड़े हैं, मतलब खत्म, मिट्टी में, वो स्तुति नहीं कर सकते, मतलब बोल ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते, परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। परंतु हमारे रोमन कैथोलिक भाई बहन ये विषय से अनजान है, धोखे में है, और मुर्दों को पूछते हैं, मुर्दों की महिमा करते हैं, जैसे मरियम की पूजा करनी, सब की जो साइलेंस में चले गए हैं, चुप्पी में चले गए हैं, उनकी स्तुति करते हैं। अय्यूब 7:9-10 वचन पढ़ लीजिए, अय्यूब 7:9-10 वचन। जैसे बादल छटकर लोप हो जाता है, वैसे ही अधोलोक में उतरने वाला फिर वहां से नहीं लौट सकता, वह अपने घर को फिर लौट न आएगा और न अपने स्थान में फिर मिलेगा। जैसे बादल फटकर खत्म हो जाता है, वैसे ही मृत्यु में जाने वाला इंसान वापस नहीं लौट सकता, दोबारा घर भी नहीं वापस लौट सकता। वो तो बहुत सारी रीति रिवाज के मुताबिक वो चावल फेंकते जाते हैं कि कहीं वापस ना घर लौट आइए, ऐसे ऐसे विश्वास होते रहे, ताकि जब वापस लौटने की कोशिश करे तो जब वो फॉलो करे वो राइस कहाँ कहाँ से आए हैं, और राइस जो है वो चुन चुन ले जाएंगे चुप के पक्षी, तो वो रास्ता भटक जाएंगे, तो वो आत्मा घर नहीं आएगी। ऐसे ऐसे विश्वास जिनका कोई बिब्लिकल आधार नहीं है आपके सामने है, जो मृत्यु में जाने वाला है वो दोबारा अपने घर नहीं लौटता, उसको वो दोबारा स्थान नहीं मिलता। तो ये सारी की सारी शिक्षाएं कि मरने के बाद कोई जीवन होता है, मरने के बाद आत्माएं ये करती हैं, वो करती हैं, बदले लेती हैं, वापस लौटती हैं, वो करती हैं, ऐसा करती हैं, अशांत होती हैं, शांति चाहिए, ये सब तो परमेश्वर के वचन के तालमेल से नहीं, ये तो सत्य नहीं है। सत्य है तेरा वचन, सत्य है जो आपको पढ़ाया जा रहा है। एक और वचन पढ़ लीजिए, अय्यूब 14:21 वचन। उसके पुत्रों की बड़ाई होती है और यह उसे नहीं सूझता,
और उनकी घटी होती है, परंतु वह उनका हाल नहीं जानता। तो हमारे घरों में जो हमारे पूर्वज या हमारे बुजुर्ग जो मर जाते हैं उनकी हम फोटो दीवार पे लगाते हैं, फोटो दीवार पे लगा के हार डालते हैं, जब हम कोई सक्सेस सफलता हासिल करते हैं या कुछ काम करते हैं हम बोलते देखो हमें वो देख रहे हैं, इमोशनल भी हो जाते हैं, सब करते हैं, उनको कुछ नहीं पता। तुम मर रहे हो, तुम जी रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम बुरा कर रहे हो, उनमें उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो गए, बादल फटके खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। नहीं देख रहे वो आपको कहीं से कि अच्छा मेरा बेटा या मेरी बेटी ये क्या कर रहे हैं। तो सारी इमोशनल करने के लिए चीजें हैं, ये तो सत्य नहीं है। इसीलिए वचन बोलता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें गलत शिक्षा से स्वतंत्र करेगा। ये शिक्षा जो शैतान ने फैलाई कि आत्मा मरता नहीं है, गलत शिक्षा है, झूठी शिक्षा है, जिसमें ना खाली अन्य जाति बल्कि मसीह लोग भी यही विश्वास करते हैं कि आत्मा मरता नहीं। आत्मा क्या है? आत्मा है शरीर और सांस, इन दोनों को मिला के बनता है एक आत्मा। और ये आत्मा जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो पवित्र शास्त्र में है, ये मरता है। सांस जो हमारे नथनों में है इसको परमेश्वर ले लेते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, आज हमने पढ़ाई की कौन से विषय? आत्मा के विषय। आज सिर्फ कॉन्सेप्ट जाना है, अभी आपको क्लैरिटी देनी है। ये तीन विषयों की पढ़ाई है, आपको कॉन्सेप्ट बताया है, आप ये वचन नोट कर लीजिए, इन तजुर्बों को पढ़ लीजिएगा। पहला शमूएल 28वां अध्याय 7-19 वचन, जिसमें क्या है कि शाऊल एक भूत बुलाने वाली को के पास जाता है, उसको बोलता है मेरे लिए शमूएल को बुलाओ, और वो उसको बुलाती है। दूसरा एक वाक्य जहां प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर जाते हैं अपने 3 प्रेरितों के साथ और बुलाते हैं 2 मरे हुए इंसानों को, मूसा को, एलिया को। तीसरा वाक्य चोर ने प्रभु यीशु मसीह से मरते वक्त सलीब पर, जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर लटके थे, एक चोर ने प्रभु से कुछ पूछा, और वो क्वेश्चन है कि क्या चोर उसी वक्त स्वर्ग में चला गया उसका आत्मा? उसके बाद अमीर और लाजर की कहानी क्लास नंबर 14 में हम करने वाले हैं, वो भी इसी के साथ मिलती जुलती बात है। जब ये सारे विषयों को हम डिटेल से देख लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि आत्मा क्या है, हम क्या जानते थे, और परमेश्वर का वचन का सत्य क्या बोलता था। सच में आप ये शब्द बोलोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तो प्यारे भाई और बहनों, पहला शमूएल 28 का 7-19 वचन आप पढ़ के आइएगा। अगली बार मत्ती 17वां अध्याय 1-3 वचन पढ़ के आइए, प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी पर जाना, मूसा और एलिया को बुलाना, उनसे बातें करना, चोर का प्रभु यीशु मसीह को विनती चोर की कि मुझे स्वर्ग लोक में लेके जाओ, अमीर और लाजर की कहानी लूका 16वां अध्याय 19-31, और ये सारे विषय हम आने वाले हफ्ते क्लास नंबर 13 में करेंगे। तब तक परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।